हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिएगा, आज हम आपको ये लड्डू गोपाल जी के लिए कलंगी वाली कैप बना के बताएंगे। तो हमने पिछली वीडियो में भी आपके लिए कलंगी वाली कैप बनाई है, तो देखिए उसकी कलंगी हमने अलग बनाई है, कैप अलग बनाई है। तो इस वीडियो में हम कलंगी और कैप को एक साथ ही बनाएंगे। तो देखिए, हमारे पास एक कमेंट्स आया था कि 5 से 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए कलंगी वाली कैप बना के बताएं। तो हम ये दूसरे डिजाइन की आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान कैप बना के बताएंगे किस तरीके से इस कैप को बनाना है। तो इसे बनाने के लिए हमने देखिएगा 2 कलर की यहाँ पे ऊन ले ली है। ये हमारा ब्लैक कलर है और ये पिंक कलर है। तो आप अपना पसंद का कोई भी कलर ले लीजिएगा। और 10 नंबर हमने इसे बनाने के लिए सिलाई ली। देखिए तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए बनाते, तो कलंगी हम ब्लैक कलर से बनाएंगे, तो इसलिए हमने ब्लैक कलर से इसमें देखिएगा यहाँ पे फंदे डाल लिए हैं। तो फंदे हमने डाले हैं इसमें 34 फंदे हैं हमारे 5 से 6 नंबर के लिए। आप इसमें 35 भी रख सकते हैं। तो हमने 34 फंदे इसमें डाले हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 और 34 34 फंदे हैं। फंदे हमने देखिए सिंगल धागे से डाले हैं। तो इनको हम बना लेते हैं, देखिए इस तरीके से सभी फंदों को ये उल्टा उल्टा बना लेंगे। दोनों साइड से इस बॉर्डर को उल्टा उल्टा बनाना है। यहाँ पे देखिएगा, इसकी 2 सिलाई उल्टी तरफ से बना लेंगे, उल्टी उल्टी, और 2 सीधे तरफ से। इस तरीके से हम ब्लैक कलर से 4 सिलाई बनाएंगे। तो इसमें बनाना है बॉर्डर बनाने के बाद में 2 उल्टी सिलाई और 2 सीधी सिलाई। इस तरीके से कैप को बनाएंगे। देखिएगा सभी फंदे हमने सीधी सिलाई में बना लिए इस तरीके से। अब बनाएंगे उल्टे तरफ से, उल्टे तरफ से भी इसको बनाएंगे उल्टा उल्टा। ये इस तरीके से, तो दोनों साइड से इसको उल्टा उल्टा 4 सिलाई में बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिएगा, इसकी हमने 2 सिलाई बना दी है, इधर से भी इधर से भी। अब सीधे तरफ है, देखिए कलंगी के लिए हमारे हम चौड़ी रहेगी पट्टी। अब हम देखिए 2 सिलाई और इसमें अलग से बना लेते हैं, बॉर्डर बन गया है। इसके बाद में देखिए इस तरीके से ये उल्टा उल्टा ही बनाते हुए ले जाएंगे अभी भी। तरीके से और एक सीधे तरफ से बना लाते हैं उल्टा उल्टा। देखिए इसमें हमारी टोटल 6 सिलाई बन गई है, 3 इधर से सीधे तरफ से और 3 उल्टे तरफ से। इसमें हमारी 6 सिलाई बन गई। अगर आप इस कलंगी को और चौड़ा बनाना चाहो, जैसे यहाँ से पट्टी के देखिए है ये चौड़ी, तो अगर इसको आप और चौड़ा बनाना चाहें तो और सिलाई बना लीजिएगा इसमें। तो अब हम देखिए यहाँ पे कलंगी बंद करेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे 2 का एक किया, वापस से सिलाई में डाला, फिर से 2 का एक किया, 2, 3, 4,
पांच, छः, सात। देखिए हमारे सात फंदे यहाँ पे ये घट गए हैं। देखिए बाकी फंदों को हम इस तरीके से बना लेंगे, पूरा उल्टा उल्टा सिलाई में बनाते हुए चले जाएंगे। तो इसको बनाना बहुत ही ये बहुत ही आसान देखिए और बहुत ही सिंपल तरीके से ये बनके तैयार हो जाती है। इसको उल्टा सीधा आता है बनाना, वो इसको बहुत ही इजी बना पाएगा। देखिए इसी तरीके से हम इसको जितने बड़े आपको कान्हा जी का बनाना है उतने बड़े का बन जाएगा, छोटे से छोटे का और बड़े से बड़े कान्हा जी के लिए। फंदे का फर्क होता है बस। इस तरीके से देखिए पूरी सिलाई को बना लिया है, आ गए हैं उल्टे तरफ और उल्टे तरफ से हम इसको यहाँ पे दूसरा कलर लगाएंगे। ये पिंक कलर जो है हमारा उसको ज्वाइंट कर लेते हैं। यहाँ पे पिंक कलर को बनाएंगे इस तरीके से। इसकी पूरी सिलाई हम बना लेते हैं उल्टी उल्टी। तो देखिएगा अब हमारे यहाँ पे जो बाकी फंदे बचे हैं ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और 27 फंदे हैं बाकी, और हमारे यहाँ पे 7 फंदे हमने घटा दिए हैं। देखिए अब इन 27 फंदों को हम बार बार बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे बार बार, इधर से सीधे तरफ से सीधा बनाई। यहाँ पे देखिए एक उल्टे तरफ से लाइन बनाते हुए और एक इधर से सीधे तरफ से हो जाएगी। जरा तो इस सिलाई को पूरा बना लेते हैं उल्टा उल्टा, ये सॉरी सीधा सीधा बनाएंगे इसको इस तरीके से। ये पिंक की हमने देखी यहाँ पे दो सिलाई बना ली, एक उल्टे तरफ से और एक सीधे तरफ से। अब ब्लैक कलर बनाते हुए ले आए, देखिए उल्टे तरफ से आ गए सीधे तरफ, तो सीधे तरफ से इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे। ब्लैक की दो सिलाई उल्टी और पिंक की दो सिलाई उल्टी, ये सीधी सीधी बनानी है, उल्टे तरफ से उल्टा और सीधे तरफ से सीधा इस तरीके से। और ब्लैक की दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाना है इस तरीके से। देखिए कैप की लंबाई के बराबर इसको हम बना लेंगे दोनों कलरों से। देखिए इस तरीके से इस तरीके देखिए बना ली है ब्लैक से। अब पिंक से बनाएंगे, तो पिंक को बना लेते हैं उल्टे तरफ से उल्टा और सीधे तरफ से सीधा। तो इस तरीके से बनाते हुए इसकी कैप की लंबाई बना लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हमने बना ली है 2, 4, 6, 8, 8 सिलाई हमारी बन गई है। और देखिए 9वीं सिलाई हमारी ये है। अब 10वीं सिलाई पे है बॉर्डर से अलग। देखिए यहाँ पर अब हम फंदे घटाएंगे तो हमारी ये कैप की लंबाई पूरी हो चुकी है। दो फंदे बनाए हैं यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे ये दो का एक किया, एक दो फंदे बनाए, फिर दो का एक किया, दो दो का एक, एक दो के, फिर दो का एक, एक दो दो का एक, एक दो। देखिए दो का एक, तीन फंदे बचे को इस तरीके से बना। देखिए उल्टे तरफ से उल्टा ही बनाएंगे और फंदे नहीं घटाएंगे, ऐसे ही जितने फंदे होंगे उतने फंदों को बना लेंगे इस तरीके से उल्टे तरफ से। तो अब दूसरी सिलाई हमारी फंदे घटाने की। देखिए एक फंदा बनाएंगे यहाँ पे, एक बनाया
पहले दो बनाए थे, दो का एक किया, एक फंदा बनाया, फिर से दो का एक किया, इस तरीके से एक फंदा, दूसरी सिलाई पे हमने इस तरीके से घटाया, अब उल्टी तरफ से इसको पूरा बना लेते हैं उल्टा उल्टा। देखिएगा अब तीसरी सिलाई है और दो सिलाइयों में हमने फंदे घटा दिए हैं। अब तीसरी सिलाई में घटाएंगे तो यहाँ पे पहले हमारा एक फंदा था, अब एक भी नहीं रहेगा। इस तरीके से देखिए दो का एक किया, हर एक फंदे को दो का एक करते चले जाएंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से देखिए सभी फंदों को दो का एक कर दिया है। देखिएगा इन सभी फंदों को अब दो चार छः सात फंदे रह गए। देखिए इसको कट कर देंगे और ये इसको भी थोड़ा ज़्यादा कट करेंगे। इस तरीके से सुई में डाल लेते हैं फंदों को, तो देखिए इस तरीके से सुई में डालेंगे। इस तरीके से सुई में डाल लिए सभी फंदों को यहाँ पे और इसको टाइट करके यहाँ पे लगाएंगे नॉट। ये देखिए इस तरीके से नॉट लगा दी हमने। देखिए इसको इस तरीके से यहाँ से बड़ा बड़ा इसको सुई में लेंगे यहाँ तक। ये इस तरीके से सिलना सेम तरीके से है इसको, जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको पगड़ी बना के बताई थी उसी सेम तरीके से इसको भी सिलना है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से अब देखिए दूसरी साइड से इसको भी हम कर लेंगे ऐसी टाइट। इस तरीके से पलटते हुए अब इसको हम हमारे फालतू के धागे इनको पीछे की साइड लाके देखिए यहाँ पे नॉट लगा दिए, जो हमने फंदे डाले थे वो वाले। ये देखिए हमारी ऊन है, इसको हम यहाँ पे लाके देखिएगा नॉट लगा के इसको कट कर देंगे।
देखिए इस तरीके से हमारी पलट के खत्म किया जाएगी। यहाँ से इसको बिल्कुल टाइट करके देखिए ये वाला भाग हमारा थोड़ा सा लूज रह गया। देखिए इस तरीके से इसको सेट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से तो कुछ इस तरीके से हमारी कलंगी बनके आ जाएगी। तो इसको सिल लेते हैं अच्छे से। यहाँ से वैसे तो सिल चुकी है, इस तरीके से सिल गई है। तो ये हमारी देखिए इस तरीके से कलंगी आ गई है। आप यहाँ पे देखिए मोती वगैरह स्टोन वगैरह कुछ भी लगा लीजिएगा। तो लगा लेते हैं मोती स्टोन वगैरह, आपको फिर दिखाएंगे। देखिएगा इस तरीके से हमने यहाँ पे स्टोन लगा दिया है, आप बटन वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये 5-6 नंबर को अच्छे से फिट हो जाएगी। तो देखिए हमारी कलंगी वाली केप बन गई है 5-6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।